नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिकंदराबाद में मां बेटे पर तलवार से हमला, गंभीर घायल। कोतवाली में दी तहरीर, घर में घुसकर किया हमला। सिकंदराबाद के ग्राम भराना में कुछ लोगों ने मां बेटे पर तलवार और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोतवाली में घटना की तहरीर दी गई। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिकंदराबाद के ग्राम भराना निवासी नितेश एवं उसकी मां मीना अपने घर पर मौजूद थे, तभी गांव के राकेश, अजय, मनोज और मन्ने घर पर आए। सभी के हाथों में लाठी डंडे थे तथा तलवार थी। आरोपियों ने घर में घुसते ही गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसका विरोध किया तो आरोपियों ने नितेश व उसकी मां मीना को लाठी डंडों से पीटा तथा तलवारों से हमला किया। हमले में नितेश को गंभीर चोटें आई, मां मीना को भी चोटें आई। आरोपी इससे पूर्व भी परिवार के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं। घटना की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी इससे पूर्व वहां से भाग गए। आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोतवाली में घटना की तहरीर दी गई है। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि तहरीर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गुलावटी पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी घायल। अवैध असलहा और बाइक बरामद। गुलावटी पुलिस की बाइक सवार गैंगस्टर बदमाशों को मुठभेड़ हो गई। बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि थाना गुलावटी पुलिस फकाना गांव के पास संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। उसी समय सिकंदराबाद की तरफ से एक बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया। दो बदमाश बाइक को तेजी से मोड़कर गांव ईसापुर की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया तो कुछ दूरी पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस से गिरता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया तथा दूसरा बदमाश जंगल की तरफ भागने में सफल रहा, जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार घायल बदमाशों की पहचान मुनफेद उर्फ भुट्टो पुत्र इस्तियाफ निवासी रसूलपुर थाना गुलावटी जनपद पुलिस बुलंदशहर के रूप में हुई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुनफेद उर्फ भुट्टो थाना गुलावटी का हिस्ट्री शूटर तथा शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गुलावटी पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। सिकंदराबाद में छात्रा को नशीला पदार्थ सुंगा कर किया अगवा। स्कूल जाते समय बहाने से बाइक पर बैठाया। आरोपी मौसेरे भाइयों पर रिपोर्ट दर्ज। सिकंदराबाद में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने का मामला सामने आया है। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गांव निवासी पीड़ित परिवार ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनकी पुत्री 17 वर्षीय पुत्री गुलावटी स्थित स्कूल की छात्रा है। 30 सितंबर को वह घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन उसकी स्कूल बस छूट गई। इसी दौरान गांव के निवासी युवक बाइक से वहां पहुंचा और उसकी बेटी से स्कूल बस पकड़वाने की बात कहकर उसे बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि कुछ दूर चलने पर युवक ने उसे नशीला पदार्थ सुंगा दिया। बेहोशी की हालत में वह उसे दनकोर में अपनी मौसी के घर ले गया। वहां पर उसकी मौसी का पुत्र भी आ गया। बेटी ने विरोध किया तो उस
युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर घुमाते रहे। दोपहर करीब 2 बजे युवक उसकी बेटी को लेकर घर पहुंचा। चचेरे भाई के पूछने पर वह घबरा गया और अपनी बाइक मोबाइल छोड़कर फरार हो गया। कार्रवाई करने पर आरोपी ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि पुलिस ने तहरीर दी पर आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर आरोपी उन पर दबाव बनाने लगे और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे, जिसके उन्होंने SSP की मदद की गुहार लगाई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNews TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.MNews TV.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।